एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अंग्रेजों वाली मानसिकता का बताया। उन्होंने कहा, ये पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे, ममता अब भगवानों में विभाजन चाह रही हैं। मिश्रा ने पुलिस सिस्टम में किए जा रहे बदलाव के बारे में भी विस्तार से बताया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक वर्ग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी को अब हिंदुत्व याद आ रहा है। बंगाल के लोगों को सब समझ में आता है। ममता बनर्जी की अंग्रेजों वाली मानसिकता है, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो, अब भगवान में विभाजन भी चाह रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिल रहे झटके पर मिश्रा ने कहा, चुनाव आते आते वे अकेली पड़ जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ रही है। देखो, ममता जी की मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल वाली। पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे, वो इसी तरह से तुष्टिकरण की नीति करके अब भगवानों में आपस में विभाजन चाह रही हैं। पूरा देश ममता जी की भक्ति को जानता है कि कैसे दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया था, कैसे रोका था उन्होंने। एक वर्ग की संतुष्टि के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए वो सदैव से ऐसा कहती आ रही, पर उनको हिंदुत्व याद आ रहा है। इस चुनाव के वक्त इसको भी बंगाल सहित पूरा देश समझ रहा है। मैं कल से बंगाल के दौरे पर हूँ, आज जाऊँगा। जहाँ तक झटके वाली बात है, हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक अकेली पड़ जाएंगी दीदी। ये उसी दिशा में है। अब तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ रही है। तिनके की तमन्ना है समुन्दर में जा मिले, पर ज्वलंत सवाल ये है कि समंदर कहाँ मिले। हम अगर पुरातन काल में जाएंगे तो लंका में लोगों को जय श्री राम से आपत्ति होती थी, वैसी ही आपत्ति ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से हो गई। राम किसी राजनीतिक दल के थोड़ी है, राम तो रोम रोम में रमे आराध्य हैं। मुझे नहीं समझ आया, अगर वो भी मंच से बोल देती तो क्या जाता। ये साबित हो गया है कि वहाँ भी लंका राज ही चल रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया, गृह विभाग पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने जा रहा है। पहले ASI को SI का प्रभार दिया जाता था, लेकिन अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का प्रभार दिया जाएगा और SI को TI का प्रभार दिया जाएगा। इसको 5 तक मूल रूप देने का काम पूरा हो जाएगा। एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में ASI को SI का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को ASI का, ASI को SI का और SI को TI का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।